ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप फ्यूचर की थोड़ी सी झलक देख सकें। आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी तो देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। इससे आपको और भी ज्यादा इस वीडियो को समझने में मदद मिलेगी। इस मूवी में एक सीन है जो कि कुछ ऐसा है। ये जो आपने अभी ब्लू हाईटेक सिक्योरिटी देखी है, अगर हम ऐसी ही सिक्योरिटी पृथ्वी के बाहर लगा दें तो कैसा रहेगा? और क्या ऐसी हाईटेक सिक्योरिटी लगाने के बाद क्या हम स्पेस से होने वाले अटैक से बच सकेंगे? और फिर वो उल्का पिंड के अटैक हो या एलियंस के अटैक हो, और क्या ऐसी हाई सिक्योरिटी लगाने से पृथ्वी को कोई नुकसान होगा? क्या पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम हो जाएगी? और ऐसा अगर हम लोग करना भी चाहें तो हम लोग को कितना समय लग सकता है? चलिए पृथ्वी के लिए एक हाई सिक्योरिटी की कल्पना करते हैं जो हम इंसानों के हित में होगी, और यहाँ से हमारी कल्पना शुरू होती है। हमारी पृथ्वी इस सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है, लेकिन हम इंसानों ने अभी तक जितनी भी मुसीबतें झेली हैं, उससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसका वैज्ञानिकों ने नाम दिया है 9272 ऑर्बिट, जो वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के काफी नजदीक आने वाला है, और ये उल्कापिंड पृथ्वी से काफी बड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये पृथ्वी से टकराया तो हमारा मन्नत तय है, और एक दिन वो समय आ ही जाता है जब उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है, और जिसकी वजह से सभी पृथ्वीवासी परेशान हैं। अब ये उल्कापिंड पृथ्वी के काफी नजदीक आ चुका है, और इसने पृथ्वी से काफी दूरी वाले सैटेलाइट्स को भी तबाह कर दिया, और सभी धर्म के लोग परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सबकी जान बच जाए। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सभी लोगों को उल्कापिंड आसमान में साफ साफ दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा डरने लगे। लेकिन अचानक से एक ऐसा कारनामा होता है कि वो उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराता है, बल्कि पृथ्वी के पास से निकल जाता है। और इस पर वैज्ञानिक हैरान होकर कहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इस ऑर्बिट को पृथ्वी से टकराना था, लेकिन वैज्ञानिक इस बार गलत साबित होते हैं, और हमारी दुनिया के लोग उस दिन को भुलाकर फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं, और लगभग सभी साइंटिस्ट अपनी और खोजों में लग जाते हैं। लेकिन उनमें से एक सुभाष नाम का वैज्ञानिक था जो इस उल्कापिंड की गुत्थी को सुलझाना चाहता था। इसमें सुभाष ने उन सभी वैज्ञानिकों को कहा कि आप भी इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद करें, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन सुभाष बाहर टहल रहा था, तभी उसको बहुत से टूटे तारे दिखते हैं, जिन्हें देखकर सुभाष समझ जाता है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे ऐसी घटना हमारी पृथ्वी के साथ ना हो। यानी अब कुछ छोटे और कुछ बड़े उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हो इसके लिए हमें अभी से कुछ करना होगा। और यहीं से सुभाष पृथ्वी के लिए एक हाई सिक्योरिटी बनानी स्टार्ट कर देता है, जिसमें उसका साथ 5 और वैज्ञानिक देते हैं, और एक दिन वो लेजर हाई सिक्योरिटी बनकर रेडी हो जाती है। और सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम देशों से आर्थिक सुविधा ली जाती है, जिसके बाद इस सिक्योरिटी को पृथ्वी के ऊपर फैलाने जितना बड़ा और भी ज्यादा सटीक बनाया जाता है। लेकिन समस्या अब ये आती है कि इस सिक्योरिटी को पृथ्वी के बाहर कैसे लगाया जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का सेकंड पार्ट इस वीडियो के लाइक पर भी डिपेंड होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना, ताकि इस वीडियो के सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। एंड तब तक के लिए हमारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एंड दोस्तों, अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है, इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।